पहले स्टूडियो की तरफ से मनीष के नृत्य में पेश होके दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं, भगवान इनको बनाए रखे। बोल शिव रामचंद्र जी। मंत्री जी मंत्री जी अपने राज्य में किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या है या किसी में कोई विवाद है तो उन्हें पेश कीजिए। अभी गुरु महाराज विवाद तो भीषण है और की गोदी विवाद हो ना हो विवाद आप आ जाए उत्पाद है विवाद क्या है। भगवान ये दोनों महिलाएं इस बच्चे के लिए लड़ रही है, ये कह रही है मेरा है और ये कह रही है मेरा है, अब इन दोनों को पता नहीं किसका है, तो भगवान आप निर्णय करें, उचित निर्णय करें। ये कैसी रिश्ता है महाराज? ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे दूध पिलाकर पाल पोस को बड़ा किया है। देवियों मैं आपसे विनती करता हूँ कि जिसका बच्चा है वो ही अपने बच्चे को ग्रहण करें। नहीं महाराज ये बच्चा तो मेरा ही है। नहीं महाराज ये बच्चा मेरा है, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। नहीं नहीं महाराज ये बच्चा मेरा है। हे सूर्य देव ये किस प्रकार की विपत्ति की घड़ी है, मैंने आज तक बहुत से निर्णय किए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी किया है, बहुत रह क्या विवाद सुलझाए हैं, जमीन का बंटवारा और धन दौलत का बंटवारा इस तरह के विवाद मैंने देखे हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए विवाद, एक बच्चे की दो दो माताएं, ये कैसे हो सकता है? हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, मुझे ये न्याय करने की शक्ति दे। मुझे ये निर्णय करने की ताकत दे मैं सूर्यदेव, ताकि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। हाँ हाँ स्मरण में आया। मंत्री जी जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद हाजिर हो। महाराज जल्लाद ने बुलाया, जल्लाद हाजिर हो। बच्चों जोरदार तालियां बजाएं जल्लाद के लिए, सच में जल्लाद ही लग रहा है। हे जल्लाद इस बच्चे के दो टुकड़े कर दीजिए और इन दोनों देवियों में बांट दीजिए। नहीं महाराज इसके दो टुकड़े मत करो, ये तो बालक इसे ही दे दो। हाँ हाँ महाराज दो टुकड़े कर दीजिए। महाराज क्यों ना करूं इसके दो टुकड़े, ये बच्चा इसका ही है। हाँ यही तो मैं जानना चाहता, नहीं इसके टुकड़े नहीं करने हैं, बस मैं यही देखना चाहता था, इसकी इसमें माँ की ममता उभर आई है और ये दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो गया है, ये बच्चा इसका है, ये बच्चा तेरा नहीं है। देवी ऐसा क्या कारण था कि तुमने इस बच्चे को चुराया? महाराज मेरे को संतान नहीं थी इसलिए मैंने झूठ बोल कर इसको चुराया। ओ देवी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैंने तुझे माफ किया। नहीं नहीं महाराज आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। नहीं नहीं मैं इस तरह का अन्याय नहीं करूँगा और तुझे माफी देता हूँ और ये आपका बच्चा ले जाइए। देवी आप जा सकती हो। चलो आपने
कितनी आसानी से इतनी विकट समस्या का हल कर दिया। हाँ तारा, जब आप जैसी स्त्री मेरे इस राजमहल में हो तो मुझे भला ऐसे न्याय करने में कौन सी विपत्ति आती है। ओहो, मुनि विश्वामित्र, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान किरण जी, कहिए मंत्रीवर, आज हमारे पास आने की ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है। बैठो राजन, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ आराम करने दो। आया तो कुछ काम ही था, काम शायद आपसे होगा या नहीं सोच रहा था। होगा या नहीं होगा, कैसे प्रसन्न कर रहे हैं महाराज। हाँ हाँ, क्योंकि राजन मेरा काम कुछ ऐसा ही है, शायद आपसे न हो। मुनिवर, कैसा भी काम हो अगर मनुष्य की लगन होती है करने की तो अवश्य पूरा होता है। हरिश्चंद्र, तुम्हारे इन्हीं विचारों ने तो आपकी कीर्ति पूरे संसार में लाती। नहीं मुनिवर, ये तो आप ही लोगों का आशीर्वाद है जो इस तरह से मेरी कीर्ति बढ़ जा रही है। ये मेरी कीर्ति नहीं बढ़ रही है, ये मेरे साम्राज्य की, मेरी जनता की ये कीर्ति है। मेरे अकेले की कीर्ति नहीं है, आप सबकी कीर्ति है मुनिवर। राजन, मैंने कुछ कार्य के लिए एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया है, मुझे थोड़े धन की आवश्यकता है। बस मुनिवर, थोड़े धन के लिए आप इस तरह के प्रश्न कर रहे थे कि आपसे काम होगा या नहीं होगा। मुनिवर, एक यज्ञ तो क्या, आप 100 यज्ञ भी करवाएं तो इसमें हमारा क्या, इसमें तो भला ही होना है, साम्राज्य का भला होना है मुनिदेव। ये तो बहुत ही धर्म का काम है, कीजिए, अवश्य कीजिए। हाँ, आप जैसे राजा इसके लिए बना नहीं करेंगे। मैं जो मांगूंगा उसका भी ध्यान रखिए राजन, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। और आप तो सत्यवादी हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आप तो दे ही देंगे। हाँ मुनिवर, मैं हर संभव प्रयास करूंगा, आपके जो भी आप मांगेंगे वो मैं अवश्य दूंगा। तो सुनो राजन, मुझे 3 बार स्वर्ण मुद्राएं यज्ञ के लिए चाहिए। बस मुनिवर, 3 बार स्वर्ण मुद्राएं, बस 3 बार स्वर्ण मुद्राओं के लिए आप इस तरह से बार बार मेरे से प्रश्न कर रहे थे। हाँ, समझता हूँ राजन, आपके लिए बहुत छोटी सी राशि है, आपके लिए बहुत ही कम राशि है। नहीं मुनिवर, हमारे लिए क्या, ये जो हमारे पास है ये आप ही सबका तो है। तो राजन, क्या आप मुझे ये राशि दे देंगे। हाँ बिल्कुल दे देंगे मुनिवर। ठीक है, तो राजन मैंने विश्राम कर लिया, मेरा काम भी हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो मुनिवर अपनी स्वर्ण मुद्राएं लेते जाइए, लीजिए मुनिवर स्वर्ण मुद्राएं। ऐसे नहीं, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है राजन। ये मुद्राएं आप अपने पास रखिए, मुझे जब आवश्यकता होगी मैं आकर ले जाऊंगा, इसमें क्या है। नहीं मुनिवर, आप इस तरह से टाल मटोल क्यों कर रहे हैं, बातें घुमा घुमा के क्यों कर रहे हैं। जब आपको स्वर्ण मुद्राएं चाहिए और अब जब आपने मांगी है और मैंने देने का वचन भी दे दिया है तो फिर ले ही जाइए, मेरा भार भी उतर जाएगा और यज्ञ का कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा। आप समझे नहीं, मैंने स्वर्ण मुद्राएं मांगी है, लेकिन मैंने स्वर्ण मुद्राएं अभी थोड़ी मांगी है, मैंने तो कभी भी मांग सकता हूँ। मैं आपने दान कर दिया, जब मेरे को आवश्यकता होगी ये ले लूंगा। तो मुनिवर, जब आपको आवश्यकता होती तब चले जाते, अब आ जाने का कष्ट क्यों किया मुनिवर। ऐसी भी कौन सी विपदा आ पड़ी थी।
और अगर मुझे इतना भी जरूरी काम था तो मुझे बुलवा लेते। राजा तुम भी ऐसे घुमा घुमा कर बातें कर रहे हो, क्या बात है? दान देने का विचार है या नहीं? नहीं मेरी बात, ये दान तो आप पे भार बन गया है, इसे कुछ दिन ही नहीं रख सकते। नहीं मुनिवर, भार की बात नहीं है मुनिवर। नहीं नहीं, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। तुम्हारे मन में कोई शंका है राजन? नहीं मुनिवर, मुझे पता है, मैं मेरी तुम ये दान नहीं देना चाहते, मुझे पता है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि अभी ले जाओ अभी ले जाओ अभी ले जाओ। ये दान तो भार बन गया आप पे, आप थोड़े दिन ही नहीं रख सकते। कैसी बातें कर रहे हैं मुनि श्रेष्ठ? अगर आपको देना है तो बाद में दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, मैं तो चला। मुनिवर मेरी बात सुनिए, मेरे मन में जो शंका है वो मैं आपको बता देता हूँ। राज्य का क्या है मुनिवर, अगर शेर को सवा शेर मिल जाए तो ये राज्य हो सकता है कल भी छीन जाए, और हो सकता है मैं ये स्वर्ण मुद्राएं देने में असमर्थ हो जाऊँ। इससे अच्छा है कि आप आज ही ले जाइए। जब मैंने आपको वचन दिया है ये स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे को देनी ही पड़ेगी, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप आज ही ले जाए, राज्य का कोई भरोसा नहीं है। नहीं हरिश्चंद्र, तुम बातें बढ़ा रहे हो और मेरे सिर पे चढ़ रहे हो तुम। नहीं मुनिवर, मुझे नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, 100 बार कह दिया, अपमान कर रहे हो मेरा। नहीं मुनि श्रेष्ठ, मैं माफी चाहता हूँ। माफी चाहते हो तो आपको धंधो मुझे अभी नहीं चाहिए। मुनिवर अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो फिर आप छोड़ दीजिए, मेरे पास कोई बात नहीं है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बधाइए तालियां। बोलिए आवश्यकता होगी मैं आकर 3 स्वर्ण मुद्राएं ले लूंगा। ठीक है मुनिवर, आपकी ये 3 बार स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास अमानत के रूप में पड़ी है, आप जी चाहे तब ले जा सकते हैं। ठीक है राजन, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तालियां जोर से, तालियां।